राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में मुगराबाद शाहपुर में ऐतिहासिक प्रसिद्ध भरत मिलाप धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ गुरुवार की रात को सकुशल संपन्न हुआ। दो दिवसीय भरत मिलाप के पहले दिन श्री राम लीला कमेटी साहबगंज की तरफ से लीला मैदान में चारों भाइयों का मिलाप कार्यक्रम आयोजन किया गया। चारों पुत्रों में राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न के गले मिलते ही श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भक्तों ने भीगे नेत्रों से अपने प्रभु के जयकारे लगाए। जयकारों से कस्बा गूंज उठा। वहीं पुष्पों की वर्षा से चारों भाइयों का अभिनंदन किया गया। राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी व ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र सिंह व चेयरमैन शिव गोविंद साहू, सभासद आलोक कुमार गुप्ता उर्फ पिंटू व पूर्व चेयरमैन कपिल मुन गुप्त, रामलीला समिति के प्रभाकर गुप्ता व राजेंद्र गुप्ता सहित पदाधिकारियों ने चारों भाइयों की आरती उतार कर आशीर्वाद लिया। विद्वान पंडित ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ भरत मिलाप का कार्यक्रम संपन्न कराया। ऐतिहासिक भरत मिलाप मेला देखने के लिए गुरुवार की शाम से ही भीड़ पहुंचने शुरू हो गई। सगे संबंधियों के घरों की छतों पर भी भरत मिलाप देखने के लिए लोग बैठे रहे। रात 10 बजे के बाद आकर्षण झांकियों एवं कलात्मक चौकियों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें विभिन्न चौकियों समितियों की तरफ से 1.5 दर्जन से अधिक दर्शनार्थात व भव्य झांकी निकाली गई, जिसमें काली नृत्य माँ गंगा का सहमहत्व व लंका दहन भागीरथी द्वारा पृथ्वी पर गंगा लाना, देशभक्ति दृश्य व बाल सुग्रीव लड़ाई ताड़का भक्त आदि ऐसे चौकियां निकाली गई। बहुत ही पुरानी चौकी है। जब मैं बहुत छोटा था तब मैं इस चौकी को देखा करता था और ट्रैक्टर के आगे आगे चलता था। मैं छोटा तो अभी भी हूँ, लेकिन पहले जब बचपन में मतलब मेरी उम्र कम थी ना, तब भी मैं इस चौकी को देखा करता था। निश्चित रूप से आप लोगों ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया है, कभी इस चौकी को बंद नहीं किया है। बहुत सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आई होंगी, लेकिन आप लोगों ने इसको भव्य रूप दिया है। आप लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इसी तरीके चौकी को आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते रहें, मुगराबाद शाहपुर की परंपरा को इसी तरीके निर्वाह करते रहें, क्योंकि ये परंपरा अब आप लोगों के कंधे पे है। हम लोग तो एक तरह से बुजुर्ग हो चुके हैं, हम लोग बस मंच पे खड़े होकर भाषण दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसे हम अनुरोध करेंगे कि दो शब्द कहें। मोहल्ला गुढ़ाई की बहुत ही पुरानी झांकी अमर ज्योत क्लब चौकी समीप। जैसा कि उमा शंकर जी ने बताया कि जब हम लोग छोटे थे, इस चौकी की शुरुआत इसी मोहल्ले से हुई और ये सर्वप्रथम बबनौटी से ही निकलता था। भगवत प्रताप त्रिपाठी इसके प्रबंधक हुआ करते थे। कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ लुल्लू सिंह सत्य स्वर्गीय फूलचंद उमर वैश जी और देलू के